नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार समेत पूरे देश में जल्द ही वो वक्त आ सकता है जब पहले की तरह प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि कोरोना फिर से सक्रिय हो रहा है और ओमिक्रॉन इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है और आपातकालीन संचालन केंद्रों को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला एवं स्थानीय स्तर पर सख्त एवं त्वरित रोकथाम की कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को सख्त नियमन, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णय को लागू करने की सलाह दे दी है। पत्र में उन उपायों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के शुरुआती संकेतों के साथ साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर कोविड-19 से प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और इसके उपयोग, श्रम शक्ति, निषिद्ध क्षेत्र अधिसूचित करने, निषिद्ध क्षेत्रों की परिधि लागू करने आदि के संबंध में उभरते आंकड़ों की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। यह साक्ष्य जिला स्तर पर ही प्रभावी निर्णय लेने का आधार होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में कहा कि इस तरह की रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि संक्रमण राज्यों के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले स्थानीय स्तर पर ही नियंत्रित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृपया वॉर रूम को सक्रिय करें और सभी स्थिति तथा वृद्धि का विश्लेषण करते रहें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और जिला या फिर स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करें। क्षेत्र के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा और इस संबंध में सक्रिय कार्रवाई निश्चित रूप से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करेगी। स्वास्थ्य सचिव ने ये भी कहा कि कोविड पॉजिटिव मामलों के सभी नए समूहों के मामले में निषिद्ध क्षेत्र बफर जोन की त्वरित अधिसूचना की जानी चाहिए और मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र की परिधि पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने रेखांकित किया कि सभी क्लस्टर नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए इंस्कॉग प्रयोगशालाओं को बिना किसी देरी के भेजा जाना चाहिए। पत्र में अन्य कदमों पर कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि केंद्र ने स्पष्ट रूप से राज्यों को कह दिया है कि स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जहां पर स्थिति बिगड़ती दिखे वहां पर शादी समारोह, श्राद्ध कार्यक्रम या फिर जनसभाओं पर तुरंत ही लगाम लगाएं और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करें। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।